नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं वेज सोयाबीन कबाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वेज सोयाबीन कबाब बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कटोरी सोयाबीन। इस सोयाबीन को हम बिल्कुल गर्म पानी में भिगोएंगे, जिससे ये बिल्कुल अच्छी तरह से नरम सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसका कबाब तैयार करेंगे। तो अब हम इसको एकदम गर्म पानी में, बिल्कुल गर्म पानी में भिगो लेंगे। मैंने पहले से ही अपने सोयाबीन भिगो के रख लिए थे। लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे गर्म पानी में भिगो के रखा, और देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये। अब तो अब हम इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निचोड़ देंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेन कर देंगे। पानी बहुत निकल जाना चाहिए पूरा, और उसके बाद दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे सोयाबीन को मैंने अच्छी तरीके से पानी का, जो उसके अंदर पानी था उसको अच्छी तरह से निकाल दिया है दबा दबा के। देखिए बिल्कुल एकदम सूख गया है, इससे बहुत कम पानी निकल रहा है। इतना तो निकलना जायज़ है, क्योंकि हमें इसे बाद में पीसना है। तो अगर ये थोड़ा मिसल भी जाएंगे या थोड़े टूट फूट जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, कबाब बनाने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक बड़ा प्याज मैंने लिया था, उसको बड़ा बड़ा काट लिया है। उसके बाद कुछ लहसुन ले लिया है, थोड़ी सी अदरक ले ली है, 2 से 3 हरी मिर्च ले ली हैं, उसके बाद कुछ कटी हुई धनिया ले ली है। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सी जार में डाल के एक पेस्ट बनाना है। तो अब मैं इसे मिक्सी जार में डालूंगी और एक पेस्ट बना के तैयार करूंगी। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने जो सोयाबीन उबाली थी गर्म पानी में, उनका पेस्ट बनाना है। ये जो सोयाबीन है, अब हमें इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि हम वेज सोयाबीन कबाब बना रहे हैं। तो एकदम जैसे नॉन वेज लैंग्वेज में बोलूँ तो जो कीमा तैयार होता है, बिल्कुल वैसे हमें तैयार करना है। तो इसका अगर जब हम पेस्ट बना लेंगे तो बिल्कुल जो नॉन वेज वाला कीमा होता है बिल्कुल वैसा टेक्सचर आ जाएगा। तो अब हमें इसे मिक्सी जार में डाल के पीसना है। तो देखिए दोस्तों, हमने जो सोयाबीन थी उनको अच्छी तरह से पीस लिया है। बिल्कुल देखिए जैसा नॉनवेज का कीमा होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पहले पेस्ट तैयार किया था, अदरक लहसुन धनिया मिर्ची और प्याज का पेस्ट, उसको इसमें डाल देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें फ्लेवर देंगे। फ्लेवर के लिए हम कुछ पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे। जैसे हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक, और 1 टीस्पून डालेंगे अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, साथ ही साथ 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, इसको डाल देंगे हम। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी खटास देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून दही, उसको भी डाल देंगे हम। और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे सारी जगह फ्लेवर अच्छी से पहुंच जाए। जो सोयाबीन का हमने पेस्ट बनाया है उसमें सारी जगह अच्छी तरीके से सारी चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए। अब ये जो हमने मिश्रण तैयार किया है सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेसन। अगर आपको बेसन नहीं डालना तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मैदा भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चावल का आटा, और अगर आपको चावल का आटा नहीं डालना तो आप 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च या अरारोट डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसको घर की चीज़ों से बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से, इसीलिए मैंने इसमें कोई अरारोट वगैरह नहीं डाला है। और इसको भी डालने के बाद अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर देंगे जो हमारे पास मिश्रण है। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। जो मिक्सचर है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। कबाब तैयार करने के लिए हम इससे ले लेंगे एक छोटा सा हिस्सा मिश्रण से, उसको लेके हाथों में अच्छी तरीके से पहले गोल आकार देंगे। गोल आकार देने के बाद हम इसको जैसे आलू की टिक्की चपटा कर देते हैं, वैसे इसे भी बिल्कुल इस तरह से चपटा कर देंगे।
और देखिए बिल्कुल कबाब बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो अगर आपको कोई और डिज़ाइन तैयार करनी हो तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरे मिश्रण के कबाब बना के तैयार कर लेने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने कबाब डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मैंने तेल नहीं लिया है, क्योंकि आजकल जो तेल है वो बहुत रिफाइंड ऑयल जो बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करूँगी, सैलो फ्राई करूँगी। इनको तेल में डालने के बाद अच्छी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे ये अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। उसके बाद हम इसे गैस से बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कबाब हैं वो गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं धीरे धीरे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं लो मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, तो ये बिल्कुल अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसी तरह हमें लो मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो देखिए दोस्तों, जो कबाब है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कबाब हैं बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको सारे कबाब बना के तैयार कर लेने हैं। अब चलते हैं इसे सर्व करने की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो वेज सोयाबीन कबाब है बनके तैयार हो चुका है। लग रहा है ना स्वादिष्ट? अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।